नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल बाजार गेमिंग। दोस्तों आज मैं आपको पावर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका एक कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूं, डायग जो अलग अलग तरीके से कैसे यूज होता है उसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग क्या है? डायग का मैंने यहाँ पे सिंबल दिया हुआ, देखिए आपको एनोड और एनोड दो, यहाँ पे एनोड एक एनोड दो दिया हुआ, इधर दो तरफ जो एरो दिया हुआ, मतलब इसका ये मतलब है कि ये दोनों तरफ कंडक्शन कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोई भी अप्लाई करे तो ये कंडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा ये सिंबल है सर्किट, देखिए तो यहाँ पे MT1 मतलब मेन टर्मिनल वाला और मेन टर्मिनल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पे SCR एक तरह से कह सकते हैं कि SCR जो है दो, एक दो SCR है उसको ऐसे लगा दिया गया है, यानी बिना ट्रिगरिंग के। इसमें जो डायग है इसमें ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं होती, सीधा हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो मेन टर्मिनल जो एनोड है और सेकंड टर्मिनल जो है यहाँ पे N+, यहाँ पे जो मेटल जो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है दो, और यहाँ पे जो डोपिंग है N+, P1, N2, P2, N3 है। अगर हम समझिए कि यहाँ पे प्लस अप्लाई करते हैं और नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो ऐसे सर्किट बनती है। समझिए यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, तो कैसे करंट फ्लो होगा? तो हम देखेंगे यहाँ से प्लस यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो P1 ये फॉरवर्ड बायस में होगा, P1, N2, P2 और N3, यानी कैसे कंडक्शन होगा, P1, N2, P2 और N3, इस प्रकार हमारा करंट इसमें फ्लो होगा। अगर इसमें समझिए कि आपने यहाँ पे उल्टा आपने कनेक्शन कर दिया, समझिए कि यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ पे माइनस दिया, ऐसे ये समझिए कि यहाँ पे ये माइनस दिया, तो इस प्रकार भी हम इसको कंडक्शन में कर सकते हैं, यानी ये बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ काम करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम प्लस दिए तो यहाँ पे किस प्रकार वर्क करेगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा P2, N2, P1 और N1, इस प्रकार करंट फ्लो होगा। पहले कंडीशन में इस प्रकार होगा और दूसरी कंडीशन में इस प्रकार होगा। इस प्रकार हम जो डायोड है इसको हम अलग अलग तरीके से दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। इसका मेन जो वर्क होता है वो ट्राई को ट्रिगर करने के लिए इसका यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन जो है हम देख लेते हैं, जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। लैम्प डिमर में यूज हो सकता है, यानी ऑन ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है, और फैन रेगुलेटर में भी है यूज कर सकते हैं इसका, और टेम्परेचर जो कंट्रोलर है उसमें यूज कर सकते हैं। डायग जो है एक प्रकार का डायोड है, इस प्रकार हम इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आया तो, और मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया लाल बटन दे उसको क्लिक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।